प्याज की खेती के लिए, जैसे बरसाती प्याज की खेती के लिए उर्वरक एवं खाद का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उर्वरक और खाद के बारे में बात करते हैं तो प्रति एकड़ 2 से 3 टन कंपोस्ट खाद हमको देना पड़ता है और कुल मिला के नाइट्रोजन मतलब यूरिया 80 kg हमको पर एकड़ और DAP 36 kg और फॉस्फोरस 30 kg पर एकड़ देने से सहायक रहेगा किसान भाइयों के लिए। कभी कभार 10 kg सल्फर भी हम दे सकते हैं ताकि उसका फसल अच्छा हो, विकास अच्छा हो। कभी कभार जिंक 3 kg प्रति एकड़ देने से भी अच्छा होता है। या फिर 10 से 15 दिन के बाद रोपाई के बाद, उसके रोपण होने के बाद प्रति लीटर 75 ग्राम के जो घुलनशील उर्वरक है उसका अगर हम छिड़काव करेंगे उससे उसका जड़ थोड़ा सख्त होगा और जड़ के ग्रोथ में भी सहायक हो। किसान भाइयों को जो ध्यान रखना है, प्याज में, बरसाती प्याज में जो मुख्य रूप से कीट आता है वो रसाद कीट है, जिसको हम थ्रिप्स बोलते हैं। उसके अर्भक एवं वयस्क जो कीट है वो पत्तियों में उसको उसका रस चूस के उस पर इफेक्ट करते हैं। उसके कारण जो है वो पत्ते सिकुड़ जाते हैं और उसका विकास बंद हो जाता है। इसके कारण किसान को उपज में बहुत हानि होती है। तो इससे बचने के लिए हम प्रति एकड़ ज़मीन में ब्लू स्टिकी ट्रैप 15 पर प्रति एकड़ हम लगा सकते हैं, जिससे कि किसान भाई इस कीट से बच सकते हैं। और जैसे कि माहू कीट हो गया, जिसको हम एफिड बोलते हैं, वो भी मूलतः चूस के खाने वाले कीट में से है। उसका भी अर्भक और वयस्क पत्ते से चूस के, रस चूस के उसको हानि पहुँचाते हैं। और कभी कभार जब बहुत ज़ोर से वो लोग हानि पहुंचाते हैं उसके कारण मधुश्राव होता है, जिसको हम हनी ड्यू बोलते हैं। उसके ऊपर काले कवक हो जाते हैं जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण से कारण पत्तों का विकास नहीं होता है और हमको और किसान भाइयों को बहुत उपज में बहुत हानि होती है। रोग जैसे बैंगनी धब्बे के कारण पहले पत्ते में जो कंद के पत्ते हैं या फसल के पत्ते हैं उसमें सफ़ेद धब्बे होते हैं और अंत के जब जितना समय बीतता जाएगा अंदर उसमें सफ़ेद धब्बे हो जाएंगे। तो इसके लिए हम जब नर्सरी में बीज हम किसान भाई अपना रहे तो वो स्वस्थ बीजों को अपनाया जा सकता है। नर्सरी में फफूंदी नाशक जैसे कार्बेंडाजिम का भी वो लोग उपयोग कर सकते हैं, इससे इस रोग से बच सकते हैं।